तो चेन्नई सुपर किंग के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने गुजरात टाइटन के खिलाफ आईपीएल 2023 के फाइनल में आखिरी दो गेंदों पर एक छक्का और एक चौका जड़ा था, जिसकी मदद से आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग पांचवी बार चैंपियन बनी थी। और जिस बल्ले से रविंद्र जडेजा ने आखिरी दो गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया था, अब उस बल्ले को रविंद्र जडेजा ने खास खिलाड़ी को गिफ्ट कर दिया और इस बात का खुलासा उस खिलाड़ी ने खुद किया। तो आखिरकार कौन है ये खिलाड़ी जिसे रविंद्र जडेजा ने अपना सबसे बेशकीमती बल्ला गिफ्ट कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रविंद्र जडेजा ने अपना वो यादगार बैट जिसे मोहित शर्मा के ओवर में पांचवी गेंद पर छक्का और छठी गेंद पर चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवी बार चैंपियन बनाया था, उस बल्ले को उन्होंने अपने ही टीम के एक खिलाड़ी अजय मंडल को गिफ्ट कर दिया। इस खिलाड़ी को आईपीएल 2023 में खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जिस बल्ले से रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग को चैंपियन बनाया वो बल्ला रविंद्र जडेजा ने अजय मंडल को गिफ्ट कर दिया। और अजय मंडल ने इस बात का जिक्र अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर करते हुए लिखा कि उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा कि सर रविंद्र जडेजा ने फाइनल मैच में आखिरी दो गेंदों पर 10 रन बनाए थे, जिसके बाद उन्होंने वो बल्ला मुझे आशीर्वाद के रूप में गिफ्ट कर दिया है। सर रविंद्र जडेजा के लिए येलो लव, जड्डू भाई के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने में बड़ा मजा आया था। आईपीएल 2023 के फाइनल में जिस बैट से रविंद्र जडेजा ने आखिरी की दो गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवी बार खिताब जिताया था, उस बल्ले को रविंद्र जडेजा ने अपने ही टीम के खिलाड़ी अजय मंडल को वो बल्ला गिफ्ट कर दिया। तो रविंद्र जडेजा का सबसे यादगार लम्हा, सबसे यादगार बैट जिससे आईपीएल 2023 फाइनल जिताया रविंद्र जडेजा ने, वो बल्ला उस खिलाड़ी को गिफ्ट कर दिया जिसे आईपीएल 2023 में खेलने का मौका नहीं मिला। आप क्या सोचते इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।